सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड दिस इज ऑफिशियली माय लास्ट डे इन मालदीव्स डे 7 और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और अभी 8:30 बजे मेरा RT-PCR होगा। और अगर मैं RT-PCR के चार्जेस की बात करूँ तो ये लोग चार्ज करते हैं $50 जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कि इंडिया में मैंने सिर्फ ₹400 में RT-PCR करवाया था यहाँ आने से पहले और यहाँ पे चार्ज है $50 मतलब उसका 10 times ज्यादा। सो क्या कर सकते हैं, अभी सिचुएशन ही कुछ ऐसी चल रही है कोविड की। सो उसके मद्देनजर ये चीज तो मैंडेटरी है क्योंकि इंडिया जाने से पहले एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है इंडिया का ऑनलाइन, वो हमको भरना पड़ेगा। जब मैं इंडिया से यहाँ आ रहा था तो यहाँ का हेल्थ डिक्लेरेशन था इम्यूगा, उसको मैंने भरा था। सो सेम वैसे ही यहाँ से जब मैं इंडिया जाऊंगा तो वहाँ का हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म मुझे फिल करना पड़ेगा जिसको अंडर 24 hours के अंदर भरना होता है। सो आज का मेरा कुछ खास प्लान नहीं है, फ्री डे है मेरा और जो मेरी एक्टिविटीज करनी थी वो मैंने ऑलरेडी लास्ट 2 दिनों में कर ली है। थर्सडे को मैंने की थी स्कूबा डाइव और कल मैंने किया था फुल डे ट्रिप जिसका व्लॉग आई गेस आपने ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग व्लॉग है क्योंकि उसमें हम लोगों ने शार्क के साथ स्नॉर्कलिंग की थी। काफी ज्यादा अमेजिंग व्लॉग है कल का और उससे एक दिन पहले का, तो वो आप बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और बाकी के जितने भी व्लॉग्स है उसमें मैंने ज्यादातर इन्फॉर्मेशन शेयर की है। सो किस तरह से आप लोग अंडर 50K पर पर्सन आराम से इंडिया से मालदीव से वापस इंडिया प्लस यहाँ का स्टे प्लस यहाँ का फूड ये सब चीज आप लोग इजिली अंडर 50K कर सकते हो। तो बस यही था। सो बहुत हो गया बोल बच्चन, अब आज का दिन लास्ट फाइनल डे इन मालदीव स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं RT-PCR कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद बाकी की चीज। फाइनली मेरा RT-PCR भी हो गया है और ये एकमात्र इंटरनेट सर्विस है जो इस एरिया में चलती है। मेरा RT-PCR कंप्लीट हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। सो नाउ द मेन थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द होल प्लान। जिस तरह से आपको पता है मैंने इस ट्रिप का नाम रखा है मालदीव्स अंडर 50K, तो चलो मैं अब आपको बताता हूँ अब तक टोटल मुझे क्या क्या खर्चा हुआ है। अभी जस्ट मैंने कैलकुलेशन लगाया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्लाइट की। सो फ्लाइट मैंने ली थी मुंबई से माले, तो वहां तक की फ्लाइट ली थी मैंने जो कि डायरेक्ट फ्लाइट थी। सो उसका कॉस्ट पड़ा था मुझे ₹17,500 विथ रिटर्न। आप जब भी मालदीव आ रहे हो तो डायरेक्ट फ्लाइट ही लेना, कनेक्टिंग फ्लाइट मत लेना, एक्सपेंसिव भी पड़ेगा प्लस टाइम टेकिंग भी होगा वो ज्यादा। अब बात करते हैं रूम की। तो रूम आपको आराम से इजिली यहाँ पर 3,000 से 4,000 की रेंज में मिल जाएगा विद ब्रेकफास्ट। अगर आप रूम ले रहे हो यहाँ पर तो दो चीजों का आप ध्यान रखो कि आपके इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड हो प्लस सारे टैक्स एंड स्पेशली यहाँ का एक ग्रीन टैक्स होता है जो कि आप अगर जब बुक करने जाओगे तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो आप उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए कि वो इंक्लूडेड है या नहीं। अगर वो नहीं इंक्लूडेड है तो उसमें आप बुक मत कीजिए, आप दूसरे एप्लीकेशन में जाके बुक कीजिए जहाँ पे इंक्लूडेड हो, नहीं तो यहाँ पर आपको आकर वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मेरे इसमें इंक्लूडेड था और ये रूम मुझे तकरीबन पड़ा है 3700-3800 के आसपास। सो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कितने दिन यहाँ रुको तो यहाँ पर आना जाना मिला के 6
डेज इनफ है। जैसे कि अगर आप मंडे को वहां से निकलते हो सुबह, तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे शाम को 4:30 तक माफुशी आइलैंड। फिर आपके पास मंडे हाफ डे है 5 से लेकर रात तक। उसके बाद 4 डेज है आपके पास सारी एक्टिविटीज और यहाँ पे आजू बाजू घूमने के लिए। उसके बाद सैटरडे को आपका रिटर्न। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फ्राइडे को मालदीव में छुट्टी होती है, सो कुछ चीजें मे भी बंद हो सकती है। फ्राइडे को यहाँ पर ऑफिशियल छुट्टी होती है। फ्राइडे को आपका रिटर्न और आपका आने का दिन फ्राइडे ना हो तो वो बेटर है। और रूम आपका हो गया 3500, सो टोटल आपका रूम का कॉस्ट आप पकड़ के चलिए 5 दिन का, जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन का प्लस उसके बाद का नेक्स्ट 4 डेज का, तो ये टोटल आपको पड़ेगा 18,000 का विद ब्रेकफास्ट। अब बात करते हैं फूड की। तो जिस तरह से मैंने आपको रूम में कहा कि आप ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड वाला ही प्लान लेना, वो इसलिए मैंने बोला कि उसमें आप अपना फूड का बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हो। ब्रेकफास्ट का जो मोस्ट प्रोबेबली टाइम होता है हर होटल का, वो होता है 7:30 से लेकर 10 तक। जैसा आप 10 बजे आपका खत्म हो रहा है, तो उसके पहले ही आधा घंटा पहले आप ब्रेकफास्ट कीजिए एंड अच्छे से दबा के ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत सी बार लंच स्किप भी कर सकते हो अगर आपको भूख नहीं लगी है तो, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया। जितने दिन मैं यहाँ रुका हूँ मैंने सिर्फ फर्स्ट डे लंच किया था, उसके अलावा सब दिन मैंने लंच स्किप किया। उसके बाद इस तरह के नूडल्स के पैकेट आप यहाँ के लोकल सुपरमार्केट से ले सकते हो। ये पड़ता है अराउंड 75 या 80 रुपीज के आसपास। यहाँ पे आपको हर होटल रूम में गर्म पानी करने के लिए केटल दी जाती है बहुत सी बार, तो आप इससे काम चला सकते हैं। प्लस आपका ब्रेकफास्ट तो ये तो 2 टाइम का हो गया, उसके अलावा एक बार का डिनर प्रॉपरली कर सकते हो। लेकिन ये चीज हर कोई नहीं कर सकता, कुछ लोगों को फूड के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। तो उन लोगों की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 4 दिन रुके हो तो 8 टाइम का आपका लंच एंड डिनर हो गया, प्लस जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन आपका डिनर, तो टोटल 9 टाइम्स। अगर अब मैं 300 रुपीस पर टाइम का पकड़ के, तो वो होता है तकरीबन 3,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए आपका फूड का पकड़ के चलिए। अगर आप इस तरह के पैसे नहीं बचाते हैं या स्किप नहीं करते हो उसके बावजूद भी, अगर आप प्रॉपर लंच डिनर करते हो विथ ब्रेकफास्ट, तो मैक्सिमम आपका 3,000 खर्चा होगा। उसके बाद आप कितना भी एक्सपेंस कर सकते हो, लेकिन ये आपका एवरेज होगा। अब बात करते हैं जो चीज यहाँ की कंपलसरी है और जो आपको देना ही देना है, उसके बिना आपका काम चलेगा नहीं इस वक्त जब तक ये कोरोना की सिचुएशन है, वो है RT-PCR। अब यहाँ पे RT-PCR का प्राइस है $50। अगर आप दूसरे पब्लिक आइलैंड पे जाएंगे तो वहाँ पे शायद प्राइस और ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर $50 है, विच इज फाइन, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम पे आपको घूमने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात। तो RT-PCR का आपको होगा 3,800, तो ये तो आपका कंपलसरी आपको देना ही देना है, मैंडेटरी है। फिर उसके बाद माले एयरपोर्ट पहुंच जाओगे, वहां से आपको फेरी लेनी है। 2 ऑप्शन है, एक होती पब्लिक फेरी और एक होती है स्पीड बोट। तो जो पब्लिक फेरी होती है वो पड़ती है सिर्फ आपको $2 की, जो स्पीड बोट होती है वो पड़ती है $20 की। सो अभी जब मैं आया तो इस वक्त कोविड की वजह से उन लोगों ने पब्लिक फेरी बंद करके रखी है, तो सिर्फ स्पीड बोट का ऑप्शन बाकी है। ये 2 बेस्ट ऑप्शन आपके पास। अगर पब्लिक फेरी चालू है तो आप बिंदास हो लीजिए, बस उसमें टाइम आपको 1.5 घंटा लगेगा। और अगर आपको फास्ट आना है और डायरेक्ट पहुंचना है डायरेक्ट एयरपोर्ट से लेकर माफुशी आइलैंड तक, तो वो आपको $20। सो ये तो हो गया ट्रांसपोर्ट की बात। तो आना जाना टोटल $40, वो आपको पड़ेगा 3,040 रुपीज। तो ये हो गया आपका बोट ट्रांसफर का, RT-PCR, फूड, रूम एंड फ्लाइट। ये टोटल फ्लाइट का हो गया 18,000, आपका रूम का 18,000 और आपका फूड का हो गया 3,000। उसके बाद RT-PCR 3,800 रुपीज, फिर उसके बाद बोट ट्रांसफर वो हो गया आपको 3,040 रुपीज। सो ये टोटल जो प्राइस है वो आपको पड़ेगा 45,840 रुपीज। अगर आप पब्लिक फेरी का ट्रांसफर लेने का सोच रहे हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि माले से लेकर, नॉट माले एयरपोर्ट, माले एयरपोर्ट से माले का जो फेरी पॉइंट है वो बहुत दूर है, उसका जो टर्मिनल पॉइंट है वहां से, वो आपको वहां पे लोकल किसी बंदे से आपको पूछना पड़ेगा। वहां तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक स्पीड बोट $1 वो चार्ज करते हैं कुछ एयरपोर्ट से डायरेक्ट माले, और या फिर आप टैक्सी ले सकते हो और वो टैक्सी से आप डायरेक्ट माले टर्मिनल तक पहुंच सकते हो। अगर आपकी फ्लाइट 1:15 या 1 बजे से पहले आ जाती है, तभी चांसेस है कि आप 100% पब्लिक फेरी ले सकते हो माले जाकर। अगर आपकी फ्लाइट उसके बाद आती है, तो शायद मे बी चांसेस कि आप वो पब्लिक फेरी मिस कर दो। अब बात करते हैं
जो एक्सकर्शन प्लान्स होते हैं, इस तरह के एक्सकर्शन प्लान्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं $25 से भी, $50 भी, $75 भी। जो मैंने एक्सकर्शन प्लान किया था वो था $50 में, फुल डे ट्रिप शार्क वाला। अगर आप $25 वाला करते हो तो वो भी ओके है, वो हाफ डे ट्रिप होता है, और ये फुल डे ट्रिप करते हो तो $50 ये बेस्ट है। और इसमें कभी एक $75 वाला प्लान भी है, सबसे बेस्ट है $50 वाला प्लान मेरे हिसाब से, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। सो ये $50 वाला प्लान आपको पड़ेगा 3,800। सो अब तक का आपका टोटल कॉस्ट हो जाता है 49,640 rupees अंडर 50K। सो आप 50K के अंदर ये पूरा ट्रिप इजिली कर सकते हो। एक बार जब ये कोरोना चला जाएगा उसके बाद RT-PCR की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो RT-PCR का 3,800 रुपए आपका वो भी बच जाएगा। अगर आप पब्लिक फेरी लेते हो तो उसमें आपका $35 भी बच जाएगा। अब एक चीज जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने इसमें ऐड नहीं की है वो है स्कूबा डाइव। जो मैंने स्कूबा डाइव किया था 5th day पे, क्योंकि स्कूबा डाइव एक ऐसी चीज है जो हर कोई प्रिफर नहीं करता है, स्पेशली इंडियन, वरना उसका कॉस्ट मुझे पड़ा था $75। सो वो मैंने इस प्लान में आपको ऐड करके नहीं बताया, क्योंकि वो आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आपको करना है। अगर आप मेरे पर्सनल खर्चे की बात करो तो मैंने फूड पे बहुत पैसा सेव किया है इस पूरे ट्रिप पे, आप मानोगे नहीं। मैंने मोस्टली टाइम लंच स्किप किया है, सिर्फ फर्स्ट डे जब मैं आया था उसके नेक्स्ट डे मंडे वाला दिन, उस दिन मैंने लंच किया था। उसके अलावा मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे दिन ही लंच स्किप किया, सिर्फ कल एक्सकर्शन वालों ने प्रोवाइड किया था तब खाया था, और ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लेता था मैं कि मुझे लंच करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अगर रात को भूख लगती थी तो। ये है, सो फाइनली आई कैन से दैट कि मैंने जो वीडियो का पर्पज था बनाने का पूरा, मालदीव्स अंडर 50 के बजट पॉसिबल है या नहीं, वो फाइनली पॉसिबल है। जिस तरह से मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर की है, आई होप कि आपको भी पता चल गया होगा। अब जाने का टाइम आ गया है, पैकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह जल्दीबाजी करने के चक्कर में कुछ भी मुझसे रह जाए, इसलिए अभी रात को ही मैं पैकिंग करके सो जाऊंगा। और अभी बज रहे हैं 8:30, अब भी मेरी PCR रिपोर्ट नहीं आई है। सो मैं PCR रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ कि एक बार PCR रिपोर्ट आ जाए तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील हो। हेलो, थैंक यू। सो फाइनली मेरी रिपोर्ट भी आ गई है, बस नीचे जाके प्रिंट आउट ले लेता हूँ उनसे। सो अब वक्त आ गया है इस वीडियो को एंड करने का, और आज था मेरा मालदीव्स में लास्ट डे, और कल सुबह 9:30 मैं निकल जाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये पूरी जर्नी पसंद आई होगी, एंड अगर आपको जितना भी मैंने इन्फॉर्मेशन इस पूरे ट्रिप के दौरान शेयर किया है, आई होप कि आपके वो बहुत काम आएगा, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी अंडर 50K एक बहुत ही बढ़िया सा ट्रिप कर सकते हो विथ एक्टिविटीज, excursion and all. So thanks for watching this video. Please share this video, subscribe my channel and follow me on Instagram @TheManjeetRocks, and I will see you in the morning tomorrow. Till then, bye bye, take care, signing off.